झारखंड सरकार के ऐलान के बाद बाइक चालकों को पेट्रोल में सब्सिडी दिलाने के लिए प्रशासनिक कसरत भी अब शुरू हो गई है। सरकार ने इसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिस पर लाभुक को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन इससे इतर प्रशासनिक स्तर पर भी योग्य लाभुकों के चयन पर सरकार की निगाह रहेगी, इसलिए इसका जिम्मा अब डीलरों को दिया गया है। खबर नीलांबर पीतांबरपुर से है, जहां प्रखंड कार्यालय में प्रभारी एमओ आलोक पांडे ने बैठक कर सभी जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को पेट्रोल सब्सिडी के साथ कोविड वैक्सीनेशन और राशन वितरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि लाल एवं हरा राशन कार्ड धारी को दो पहिया वाहन के लिए 25 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी पर महीने में 10 लीटर तेल दिया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी को किया जाना है। इसे लेकर एमओ ने सभी डीलर को प्रतिदिन 10-10 लाभुकों को पेट्रोल के लिए निबंधित करने का निर्देश दिया है। इस दौरान कोविड वैक्सीनेशन पर भी चर्चा की गई और बताया गया कि 26 जनवरी को लेस्लीगंज प्रखंड के द्वारा 100% वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिया जाना है। करीब सभी गांवों में वैक्सीनेशन का काम लगभग पूरा होने को है। जनवितरण लाभुकों के पोषक क्षेत्र में वैक्सीन नहीं लेने वालों की संख्या अब बहुत ही कम रह गई है, जिसे डोर टू डोर माध्यम से पूरा किया जाने का लक्ष्य रखा गया। वहीं बैठक में वितरण प्रणाली को लेकर भी कई डीलरों पर नाराजगी जाहिर की गई। अब तक दिसंबर माह के राशन नहीं वितरण करने वाले दर्जनों डीलर से स्पष्टीकरण पूछा गया है और समय से राशन वितरण करने का निर्देश सख्ती से दिया गया है। खंड के जितने भी जनवितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, जिसमें कि अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना चल रही है पेट्रोल सब्सिडी की, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था आज की बैठक का। सभी डीलर को आज टारगेट दिया गया है कि प्रतिदिन प्रति डीलर कम से कम 10 रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पेट्रोल सब्सिडी के लिए अपने पोषक क्षेत्र से। 20 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब्सिडी का पैसा लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करने वाले हैं। उससे पहले कम से कम 20% हमारे प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी दो पहिया वाहन हैं उसका 20% लाभुकों को उस दिन पैसा ट्रांसफर किया जाना है। इसको लेकर के मुहिम चलाया जा रहा है। कल से पंचायतवार शिविर भी लगाया जाएगा इसके लिए, निबंधन के लिए। दूसरा हमारा मुद्दा था टीकाकरण को लेकर के। जैसा कि सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को पूरे प्रखंड क्षेत्र को टीकाकरण 100% हो गया है, इसका प्रमाण पत्र देना है। अब हमारे यहाँ बहुत ही कम लाभुक बचे हुए हैं। प्रत्येक डीलर के पोषक क्षेत्र के अंदर सिंगल डिजिट में लाभुक बचे हुए हैं। वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने डाटा तैयार कर लिया गया है। आज इनको डाटा हस्तगत कराया जा रहा है।